सती गाथा का जो विषय है उस पर हमारी चर्चा चलती है। गाथा तो हमने पूरी की, लेकिन उसमें जानने योग्य विषय शेष रह जाता है, क्योंकि गाथा में जो वर्णन है वो तो संक्षेप से है, उसको भी अपन ने विस्तार से जानने का प्रयत्न किया। प्रकरण ये चलता है कि आत्मा जो सदा ज्ञानमय है और प्रति समय उसका जानने रूप परिणमन होता है, तो वो जानता किसको है, ये प्रकरण अपना चलता है। किसको जानता है? दुनिया की, जगत की मान्यता है कि ज्ञान पर पदार्थ को जानता है। सीधा किसी से भी अगर पूछा जाए तो यही कहेगा कि यह मुझे सामने दीवार दिखाई दे रही है, यही बोलेगा। प्रत्यक्ष आंखों से दीवार दिखाई दे रही है ऐसा जो बोलने वाला है वो अभी भ्रम में है, क्योंकि दीवार दिखाई नहीं देती, दीवार तक ज्ञान नहीं जाता। तो दीवार ज्ञान में नहीं आती, लेकिन दीवार का जैसा स्वरूप है वो तो जिस रंग रूप की है, जितनी बड़ी है, जितनी लंबाई चौड़ाई वाली है, वो तो सारा का सारा ज्ञान दीवार से पूछे बिना, दीवार से सहायता लिए बिना, दीवार की कारणता के बिना अपने आप, अपने भीतर, अपने स्वरस से, अपनी स्वशक्ति से, पर्याय की स्वशक्ति से, पर्याय की बात चलती, उससे ज्ञान दीवार के उस स्वरूप को ज्यों का त्यों, जैसी है वो दीवार ठीक वैसा का वैसा अपने भीतर जान लेता है। ये जो जानने का जो काम है वो ज्ञान के भीतर होता है, तो जो बिना अपवाद की बात है कहाँ होता है। और जितना आत्मा है उतना ज्ञान है, आत्मा की जो सीमा है, जैसे अभी हमारा 3.5 हाथ का शरीर है, इतना ही बड़ा आत्मा है और उतना ही बड़ा ज्ञान है। उसी वो ज्ञान अपनी सीमा के भीतर कहीं भी विमुख हुए बिना, किसी की ओर झांके बिना, अपने भीतर ही भीतर मौन भाव से, जैसे कोई व्यक्ति अत्यंत एकाग्र होकर सबसे अपने मन को हटाकर अपना काम करता है, उसी तरह ज्ञान सबसे हटकर, सबसे अपने आप को हटाकर, सबसे अपने आप को खाली करके, मन गे पदार्थों से, जगत के पदार्थों से अपने आप को खाली करके अपने भीतर ही भीतर उस पदार्थ के स्वरूप को जान लेता है। अब पदार्थ जैसा होता है ना, वैसा ही उसका स्वरूप जानने में आता है। कैसा आएगा? एक मनुष्य को देखा तो मनुष्य का जैसा आकार, उसकी लंबाई, उसके अंग प्रत्यंग, ये जितने कुछ हैं, ये सारे के सारे
उस ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। ज्ञान में जब जानने में आते हैं तो हम ऐसा सोचें कि जैसे उसने मनुष्य की लंबाई को देखा और उसको ज्ञान के भीतर मनुष्य की लंबाई का विचार चल रहा है, तो मनुष्य का वो लंबा आकार जिस प्रकार का है तो ज्ञान में ठीक वैसा आकार दिखाई देगा, तब तो ज्ञान है। क्या ठीक वैसा का वैसा तो क्या हुआ कि ज्ञान जानता तो है, लेकिन ज्ञान की प्रामाणिकता यह है, उसकी सच्चाई यह है। हम अगर ये माने कि ज्ञान में ये पदार्थ जैसा आकार नहीं बनता, अगर ऐसा माने तो फिर ये कैसे जान सकेंगे, ये बात कैसे सिद्ध होगी कि ज्ञान में कोई पदार्थ विषय बना है, ये सिद्ध कैसे होगी। इसलिए क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जब जानने में आता है तो मनुष्य जैसे जानने में आया तो मनुष्य जैसा आकार वो उस जानते हुए ज्ञान में बन जाता है। उस आकार जैसा देखेगा ना वो अपने ज्ञान के भीतर, मनुष्य नहीं आया ज्ञान में, नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां तो सीमाएं सारी की सारी सील्ड हैं, उनके भीतर प्रवेश का अत्यंत निषेध है। इसलिए वो जो आकार है स्वयं पदार्थ का, ठीक वैसा का वैसा आकार, चाहे वो आकार चाहे मोटाई रूप हो, हाथ की मोटाई रूप हो, पैर की मोटाई रूप हो, सिर का जैसा बनाव है, ठीक ऐसा का ऐसा बनाव ज्ञान के भीतर जानने में आता है, दिखाई देता है। मैंने दिखाई देता है क्या अर्थ क्या हुआ, दिखाई देता है मैंने जानने में आता है। तो ये जो जानने में आया तो क्या सारा का सारा जो जानने में आया तो उसमें अब कुछ भी बाकी नहीं रहा उसका, मनुष्य का। मैंने संपूर्ण मनुष्य और मनुष्याकार मनुष्य का द्रव्य गुण पर्याय उस ज्ञान ने संपूर्ण रूप से अपने भीतर जान लिया। अब ठीक वैसा आकार बनाते हुए हूबहू उसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं है, तो ठीक वैसा आकार बनाते हुए ज्ञान ने उसको जानने का काम कर लिया। उसको जानना कहते हैं लेकिन उसका जो स्वरूप है वास्तव में वो जानने में आया है, तो वो जानने में आया। तो वो जो जानने में आया तो उसमें वो आकार सहित जानने में आया। ये जो आकार है जैसा आकार ज्ञान में बना ना, जैसा उसने उस वस्तु को देखा, तो वस्तु को देखते ही जैसा वस्तु का आकार है और वस्तु के भीतर और जो कुछ भी है द्रव्य गुण पर्याय रूप, तो सारा का सारा वैसा का वैसा ज्ञान के भीतर जानने में आ जाता है। आकार मय वो ज्ञान आकार मय है लेकिन ज्ञान है और कुछ नहीं है। तो जब कौन जानता है, कौन जानने में आया, कहते हैं वो जो उस वस्तु जैसा आकार वाला जो ज्ञान है वो जानने में आया। ये जो आकार है ना, ये आकार तो अवश्य है, ये तो बनता है क्योंकि वो वस्तु को देखता है, तो वस्तु का जो आकार है यदि वो उसने नहीं जाना तो फिर वस्तु को संपूर्ण कहाँ जाना। तो जितना कुछ वस्तु में है उस सबको आकार सहित इसको आकार कहते हैं। आकार खाली ये नहीं हमारा व्यंजन पर्याय का, जैसे फोटो में आता है
तो सारा हमारा बाहरी आकार आता है, लेकिन भीतर का कहाँ आता है? वो तो भीतर और बाहर सब जितने को भी उसका काम जानना है ना, तो जानना जिसका काम है उसने भीतर बाहर सब कुछ जान लिया। कैसे जान लिया? कि उसके पास गए बिना, उसके पास गए बिना अपने भीतर अपने आप मौन भाव से अंतर्मुख होकर, बहिर्मुख नहीं, उस पदार्थ की ओर देखकर नहीं, पदार्थ की ओर नहीं देखता आत्मा, बल्कि पदार्थ जैसे जैसा आकार जो ज्ञान का होता है उस ज्ञान की ओर ही वो देख रहा है। तो उसी को वो जान रहा है और वही जानने में आ रहा है। एक पर्याय वो जो मनुष्यकार एक पर्याय हुई नहीं ज्ञान की आकार सहित वाली, तो वो जो पर्याय है ज्ञान की वो पर्याय जानने में आई। लेकिन अब इस पर्याय को जानने वाला कौन? ज्ञान के भीतर, आत्मा के भीतर। उस पर्याय जो पर्याय मनुष्यकार हुई तो उस पर्याय को जानने वाला कौन है? तो उस पर्याय को जानने वाली भी वही पर्याय है, और दो पर्याय नहीं। जानने वाला कौन है? वो पर्याय स्वयं जानती है नहीं, ज्ञान रूप है या नहीं? तो जो ज्ञान रूप होगा वो जानने में आ रहा है, ज्ञेय बनकर जानने में आ रहा है, वो स्वज्ञेय है। तो स्वज्ञेय बनकर जानने में आ रहा है और वो संपूर्ण रूप से ज्ञान ही ज्ञान है। अगर हम उन आकारों की ओर ध्यान न दें और आकारों को थोड़े समय के लिए गौण कर दें और ज्ञान को सामान्य बना लें, तो फिर वो ज्ञान ही है और क्या है? तो वही ज्ञान कि जो जानने में आया, वही ज्ञान जान भी रहा है उसको। यहाँ दो नहीं है, दो पर्याय पैदा नहीं हुई, लेकिन एक ही पर्याय उसी को स्व को जान रही है और स्व की पर्याय ही जानने में आ रही है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों वो पर्याय ही है। आगे तो आत्मा के अनुभव की बात तो अपन अलग करेंगे, पर पहले इस विषय को समझ लेने पर, यहाँ तक आ जाने पर कि आत्मा पर को नहीं जानता, पर आत्मा के ज्ञान का कारण भी नहीं है क्योंकि ऐसा होता नहीं है जगत में, और आत्मा में जो अनंत गुण हैं वो भी ज्ञान के कारण नहीं। पर पदार्थ की बात तो बहुत दूर रही गई पदार्थ की बात, लेकिन स्वयं आत्मा के जो गुण हैं और वो ज्ञान से अन्य हैं, क्योंकि जानने वाला तो सिर्फ ज्ञान है। इसलिए जानने वाले ज्ञान की अपेक्षा अन्य जितने गुण हैं वे गुण भी उस ज्ञान को मदद नहीं करते। ऐसा ऑफिस है ये, इस ऑफिस में, इस डिपार्टमेंट में ये जितने गुण हैं उन गुणों का अपना अपना निश्चित सुनिश्चित काम है। जैसे एक ऑफिस होता है ना, उस ऑफिस में अनेक क्लर्क होते हैं काम करने वाले, तो एक के पास जो काम है वो काम दूसरे के पास नहीं है, और दूसरे के पास जो काम है वो तीसरे के पास नहीं है। इस प्रकार सबके काम, सारे ऑफिस वालों के काम वो बिल्कुल न्यारे न्यारे हैं, और वो स्वतंत्र भाव से, कोई दूसरा अगर दखल दे तो वो कहेगा आप मेरे काम में दखल मत दीजिए, मेरा काम मैं जानता हूँ और वो मेरे पास है और मैं ही उसको करने वाला हूँ। इसी तरह ज्ञान की वो जो पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय एक ऑफिस, ये आत्मा का जो ये क्षेत्र है इसमें जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की अनंत पर्यायें वो सब अपना अपना काम करती हैं, एक दूसरे को सहायता नहीं करती। इसमें पर पदार्थ की बात तो बहुत दूर रही, उसकी कारणता तो दूर रही, लेकिन आत्मा का ज्ञान
वह अन्य गुणों से भी मदद नहीं लेता, वो गुण तो उसके भीतर ही विद्यमान है और आत्मा के ही हैं, वो आत्मा से सटे हुए हैं। इस तरह जानने का काम, तो ज्ञान को तो केवल जानने का काम करना है ना, या और कुछ करना है? हम जगत का जानना जो कहते हैं, उसमें भी ज्ञान को जगत तो बुलाना पड़ता नहीं, क्योंकि जगत आता नहीं है। ज्ञान अगर जगत को अपने भीतर बुलाकर और फिर उसकी बात करे, फिर उसको बतावे, तो इस बात का तो निषेध है ना, क्योंकि सीमाएं जो हैं वो बिल्कुल सील करी हुई हैं, इससे आगे नहीं बढ़ना। तो ज्ञान जो आत्मा जितना है उसमें उसको लांग कर इस तीन लोक और तीन काल में किसी के आने की शक्ति नहीं है। और हम पर को जानने के रूप में मानते क्या हैं कि सारी मेरे ज्ञान की और आत्मा की सीमाएं तोड़कर ये पदार्थ मेरे भीतर प्रवेश कर जाते हैं और मेरे को परेशान करते हैं। यही आता है ना, परेशान करते हैं, ये और कुछ आता है? पदार्थ अगर ज्ञान के भीतर आ जाए, माने आत्मा के भीतर आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? उदाहरण के लिए शेर देखा, शेर जैसा आकार वो तो ज्ञान में आया, शेर जैसा आकार ज्ञान ने बनाया, लेकिन ज्ञान ने वो जो शेर जैसा आकार बनाया है वो असली शेर है क्या? अगर असली शेर हो तो वो वहां पर झपटे या नहीं अपनी आत्मा के भीतर, और आत्मा का घात करे या नहीं? लेकिन वो शेर जैसा दिखाई देने पर भी वास्तव में शेर नहीं है, किंतु वो तो ज्ञान का आकार ज्ञान ही है, और वो ज्ञान का शेर जैसा आकार वही अपने को जानने वाला है और वही जानने में आने वाला है। आता है शेर, शेर से हम क्यों डरते हैं? कि खा जाएगा, खा जाएगा तो बिना आए खाएगा कैसे? बिना छुए, बिना स्पर्श किए, बिना अपने भीतर पदार्पण किए कैसे खाएगा? खाएगा तो पर पदार्थ को मैं जानता हूं, इस बात को अगर एक बार अच्छी तरह से आलोड़न करके, विचार करके, चिंतन करके और अपने ज्ञान से निकाल दिया जाए, इसकी श्रद्धा अगर समाप्त हो जाए, तो जीवन में फिर कहां यह बात रह जाती है कि मेरे पूरे जीवन में अथवा मेरे अनादि और अनंत जीवन में कोई पदार्थ मेरी सीमा में घुसकर मुझे परेशान करेगा? मौत आएगी और वो मौत भी घुस जाएगी, ऐसी परेशानी होगी, ऐसा कौन बुद्धिमान मानेगा, ऐसा कौन ज्ञानी मानेगा? तो ऐसा हो जाने पर और ये मान लेने पर कि आत्मा और ज्ञान ये तो सारे जगत के पदार्थों से खाली है, बिल्कुल रीता है, और वहां तो मैं ही रहता हूं और मैं आनंद में ही रहता हूं, क्योंकि मैं आनंद का कोश हूं, मेरे पास अनंत धन है, अनंत धन धान्य है, मैं बहुत मिष्ट तत्व हूं, मीठा तत्व हूं, मधुर तत्व हूं, और निरंतर उसी का आस्वादन में अकेला ही किया करता हूं, किसी को साथ लेने में झगड़ा पड़ जाता है, नहीं होगा? रेल में दो व्यक्ति बैठे हों और अपना अपना टिफिन खोल कर खा रहे हों, तब एक दूसरा करता है नहीं करता, लो साथ थोड़ा ये मेरा भी चख लीजिए, फिर वो कहता है कि आप भी मेरा चख लीजिए, ये बात हो जाती है नहीं? और अकेला अगर मौन भाव से खाता है तो पूरा आनंद लेता है कि नहीं? इस तरह आत्मा तो अपनी उस पर्याय को ही जानता है, और वो पर्याय जिसका आकार गेय जैसा है, उस आकार का भी अच्छी तरह से हम विश्लेषण कर लें, ध्यान दें हम कि वो किसका बना हुआ है।
ज्ञान का बना हुआ है तो वो ज्ञान ही है, इसलिए वो आकार भी उस आकार सहित जो ज्ञान की पर्याय है, आकार अलग नहीं, ज्ञान की पर्याय का ही आकार है, वो ज्ञान की पर्याय ही जानने वाली और वही जानने में आने वाली। इस प्रकार ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनों वो आत्मा की पर्याय ही है और नहीं। वास्तव में तो आत्मा होता है, आत्मा होना चाहिए, लेकिन अभी हम धीरे धीरे आत्मा की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा मानने से हम अपने ज्ञान की पर्याय तक आए कि नहीं आए, मैंने अपने भीतर आए कि नहीं आए, ऐसा मानने पर। और अगर ये मानते कि जगत के पदार्थ वो मेरे भीतर आते हैं और मुझे सताते हैं, तो हमें इन जगत के पदार्थों को देखने से अवकाश ही नहीं मिलता, हम निरंतर इन जगत के पदार्थों की ओर ही झांका करते और परेशान हुआ करते। देखो कहीं ये मुझे मार ना दे, देखो ये व्यक्ति ऐसा ही मालूम पड़ता है, ये ऐसा ही शैतान मालूम पड़ता है, इसलिए इससे दूर होकर निकलो, इत्यादि ये प्रसंग आएंगे। तो ऐसे जो असंख्य प्रसंग हैं जीवन में आने वाले, उन सारे कष्टमय प्रसंगों का, चाहे वो सुख रूप हो, चाहे कोई व्यक्ति जो है वो भला हो और हमसे मीठे शब्द बोले तो हम उसको भला कहते हैं और हमें उससे सुख भी मिलता है, लेकिन ये जो सुख और दुख हैं ये तो दोनों अत्यंत पराधीन और हमको मिलने वाले नहीं। उसने जो मीठा बोल बोला वो मीठी वाणी हमको नहीं मिली, वो मीठी वाणी तो उसके पास ही रही। इस तरह इन ज्ञेयों को जानने से इनकार करने पर ज्ञेय की ओर रात और दिन निरंतर झांकना अनादिकाल से अज्ञानी जो झांकता है वो सारा का सारा बंद हो जाता है, उसमें विराम मिल जाता है। फिर क्या होता है कि जब ज्ञेयों की ओर झांकना बंद हो जाता है, क्योंकि मैं ज्ञेयों को नहीं जानता और ये ज्ञेय मेरा कुछ नहीं करते, और तो और इन ज्ञेयों को, ज्ञेयों जैसे आकारों को जानता हुआ मैं इन ज्ञेयों के आकारों को बनाने में कोई मदद नहीं लेता ज्ञेयों से, ये ज्ञेय मेरे से अत्यंत अत्यंत और अत्यंत भिन्न है, इसलिए मेरे ज्ञान को उत्पन्न करने की ताकत इनमें भगवान केवली में भी मेरे ज्ञान की एक पर्याय को उत्पन्न करने की ताकत नहीं है। इस प्रकार वस्तु की भिन्न भिन्न व्यवस्था है स्वतंत्र। ऐसा जब जाना, ऐसा जानने के बाद फिर क्या बच गया, क्या अकेला ज्ञान और वो ज्ञाकार जानने वाली पर्याय ये बची, और वो सब ज्ञान ही है और कुछ नहीं। वो आकार भी क्या है, जैसे हमने शक्कर का उदाहरण लिया ना, तो शक्कर का गिलास क्या है, क्या है वो शक्कर है ना, या और कुछ है, गिलास तो नहीं है ना, पर गिलास जैसा आकार होने के कारण हम उसे गिलास कहते हैं, ये व्यवहार नय का कथन है। ठीक हो गया व्यवहार, व्यवहार व्यवहार हमारी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हमने शक्कर का गिलास, गिलास न होने पर भी, धातु का बना हुआ न होने पर भी, गिलास जैसा उसका आकार होने के कारण हम उसको लोक में गिलास के नाम से पुकारते हैं। ये गिलास के नाम से पुकारने से वो गिलास नहीं बन जाता, वो तो वो का वही रहता है। तो ये हुआ व्यवहार नय, अर्थात व्यवहार नय तो केवल कहता है, वस्तु को बदलता नहीं है। ध्यान देने की बात, नय वो वस्तु के आधार से उत्पन्न होते हैं, लेकिन नय के द्वारा वस्तु का निर्माण नहीं होता, नय के द्वारा वस्तु में कुछ होता नहीं है। निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है, ऐसा बोला।
निश्चय नए आत्मा का कौन लगता है? आत्मा निश्चय नए से शुद्ध है या आत्मा अनादि अनंत शुद्ध ही है, ऐसा जानने वाला जो ज्ञान है उसका नाम निश्चय नए है, तब हम कहते हैं कि निश्चय नए से आत्मा शुद्ध है। इसमें भी मिथ्या दर्शन, इसमें भी मिथ्या दर्शन। निश्चय नए से आत्मा शुद्ध नहीं हुआ करता। निश्चय नए तो ज्ञान की एक समय की पर्याय है और आत्मा त्रैकालिक ध्रुव और शाश्वत तत्व है, इनमें मेल कहाँ है? इसलिए निश्चय नए से शुद्ध नहीं है आत्मा। नए तो निश्चय तब बना कि जब उसने उस शुद्ध आत्मा को शुद्ध देखा। तो मेरा आत्मा सारे जगत से निराला अत्यंत शुद्ध है, ऐसा जिस ज्ञान ने जाना उस ज्ञान को हम निश्चय नए अर्थात वास्तविक नए कहते हैं, वो सच्चा नए हुआ। और ऐसा जानकर उसी आत्मा को हम पर्याय के साथ पर्याय वाला कहें, राग द्वेष वाला कहें, पुण्यात्मा और पापी कहें, इस सारा का सारा आत्मा ऐसा न होने पर भी उसके साथ जो ये पदार्थ हैं उनके कारण हमने उसको ऐसा बोला तो ये व्यवहार नय हो गया। व्यवहार नय ने आत्मा में राग द्वेष पैदा किए? व्यवहार नय से आत्मा रागी द्वेषी कहा जाता है। तो क्या इसका अर्थ क्या हुआ? ये अर्थ बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए निश्चय व्यवहार का, बहुत अच्छी तरह। व्यवहार से आत्मा रागी द्वेषी है ऐसा कहा तो जाता है, जिनवाणी में कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। व्यवहार ने से आत्मा रागी द्वेषी नहीं, लेकिन राग द्वेष की पर्याय को आत्मा के साथ देखकर आत्मा पर राग द्वेष की पर्याय का आरोप करके आत्मा को रागी द्वेषी कहना, इसका नाम हुआ व्यवहार नय। तो व्यवहार नय ने क्या किया? राग द्वेष पैदा किए? नहीं किए। आत्मा पर्याय में रागी द्वेषी है ऐसा जो जाना, उसको जानने से ये बात सिद्ध हो गई कि आत्मा का एक ऐसा हिस्सा भी है जो शुद्ध होना चाहिए। आत्मा पर्याय में रागी द्वेषी है, ठीक है बात। तो ये जो हमने कहा कि पर्याय में रागी द्वेषी है, तो यहाँ एक बात अंडरस्टूड रह गई कि नहीं? एक बात बिना कही हुई रह गई कि नहीं, छिपी हुई रह गई कि नहीं? वो क्या रही? कि पर्याय में रागी द्वेषी है, इसका अर्थ यह है कि एक स्थान ऐसा है कि जहाँ आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, वो निश्चय नहीं हो गया। इस तरह जैसे सिनेमा का पर्दा होता है, सिनेमा का पर्दा, उस सिनेमा के पर्दे पर कई लोगों के और महिलाओं के चित्र आते हैं। ध्यान से सुनने की है एकदम हरेक के लिए बात। ऊंघना मत, नींद मत लेना, ये नींद लेने का नहीं है, ये जागने का प्रकरण है। एकदम ध्यान से सुनने की बात है, एकदम और भीतर उतार लेने की बात। कोई दुनिया का कोई कैसा ही शूरवीर हो, कैसा ही विद्वान हो, कैसा ही ज्ञानी हो, महामहोपाध्याय हो, लेकिन इस सत्य का खंडन दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये भगवान तीर्थंकर से आई हुई बात है, सीधी भगवान तीर्थंकर की वाणी से आई हुई ये बात है कि आत्मा पर को नहीं जानता, ये वहां से आई है बात। इसलिए जैसे हमने सिनेमा के पर्दे को देखा तो जो दर्शक लोग हैं सैकड़ों, वो उस सिनेमा के पर्दे पर आने वाले पुरुषों के आकारों को, ये मोदी आया, ये वर्मा आया, ये शर्मा आया, वो महिला जो है वो शीला कुमारी आई, इत्यादि इत्यादि जो कहते हैं, तो वो जो जिसके संबंध में कह रहा है वो लोग तो बंबई रहते हैं और ये बात कोटा में हो रही है, तो वो कौन है वो जो सिनेमा के पर्दे पर है? वो कौन है वो? कि वो तो केवल उस पर्दे के कपड़े के पर्दे के चित्र हैं
वे वास्तव में वे मनुष्य और महिलाएं नहीं हैं, लेकिन चूंकि उनके आकार ठीक वैसे हैं और जैसे उनके आकार हैं वैसे आदमी बंबई में विद्यमान हैं, ये बताने के लिए हम ये कहते हैं कि पर्दे पर ये मोदी आया, ये वर्मा आया, ऐसा बोलते हैं ना, मानते हैं। दो मित्र बातें करते हो तो वो कहता है कि मैं आज सिनेमा गया था और मोदी का बड़ा बढ़िया अभिनय हुआ, बहुत बढ़िया नृत्य हुआ, बहुत बढ़िया डांस हुआ, मोदी का या किसी महिला का बहुत अच्छा डांस हुआ, ऐसा बोलता है नहीं। वहां मोदी था क्या? थोड़ा बहुत था, बिल्कुल नहीं था। तो कौन था वहां? तो हमने क्यों कहा ये झूठ बोला क्या? इसमें झूठ है, झूठ का पाप है क्या ये? उसको मोदी कहना और उसको जो है वो शीला कुमारी कहना, ये जो है वो झूठ का पाप है क्या? हमें तो ये बताना था कि ये जो चित्र हैं, इन चित्र जैसे व्यक्ति बंबई में विद्यमान हैं, इसलिए हम उनके आकारों को भी उन व्यक्तियों के नाम से पुकारते हैं। जैसे हम अपने कमरे में लगे हुए पिता के फोटो को, चाहे वो जिंदा हो चाहे उसका स्वर्गवास हो गया हो, तो भी हम पिताजी के नाम से कहते हैं। कोई पूछ रहा है ये कौन है, ये मेरे पिताश्री हैं, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो पिताश्री हैं वो या केवल एक कागज का गत्ते का आकार है? क्या है वास्तव में, निश्चय ऐसे क्या है? तो व्यवहार में से तो उस बात, वो जो बात कही गई उसे तो निश्चय ने इनकार करेगा ना। इसीलिए निश्चय ने की परिभाषा ये दी गई कि जो व्यवहार का निषेध करे वो निश्चय ने है। व्यवहार में कही हुई बात को ज्यों का त्यों न माने वो निश्चय ने है। इस प्रकार ये ज्ञान का प्रकरण मंगलमय है और मंगल पैदा करने वाला है, मुक्ति को पैदा करने वाला है, इससे संसार का अंत हो जाता है, ऐसा बढ़िया प्रकरण है। क्योंकि ज्ञान तक आ जाने सारे जगत के पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर और उनकी कारणता ज्ञान में अस्वीकार करके और अपने ज्ञान तक आ जाने पर हम कितने हल्के हो गए। अब ये कहां उत्पन्न होती है बात कि कोई मुझे कष्ट देगा और कोई मुझे सताएगा, ये बात पैदा होती है। तो क्या पैदा होता है अब? क्योंकि अब ये अकेला रह गया है इसलिए आनंद ही आनंद झड़ता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई भय ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। मैं मरूंगा ये चिंता ही नहीं है, क्योंकि मौत वहां जाती नहीं है, वो पर्याय है, वो वहां जाती नहीं है। उसके पास शुद्ध आत्मा के पास, शुद्ध चैतन्य जो ध्रुव है उसके पास मौत नहीं जाती। इसलिए व्यवहार के ये जो कथन हैं इनसे जिनवाणी भरी पड़ी है और ये साक्षात भगवान अरंत के तीर्थंकरों के वचन हैं। लेकिन भगवान तीर्थंकरों ने ही और उनके अनुसरण करने वाले ज्ञानियों ने इस बात को समझाया कि ये जो बात कही गई है उसका प्रयोजन यह है, उसका प्रयोजन यह है कि बंबई में रहने वाले आदमी का हमें पता लग जाए, उसका प्रयोजन केवल इतना है। इसलिए इसको सच मत मानना, इसका विश्वास मत करना, बल्कि इसका विश्वास छोड़कर ये विश्वास करना कि असली आदमी तो वो है जो बंबई में रहता है, ये निश्चय का कथन हुआ। इसी तरह जब ज्ञान की पर्याय में बिल्कुल खाली होकर और सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान के आकार बिना किसी गेय के और झांके बिना, उसको बुलाए बिना, उसके पास गए बिना, यानी ज्ञान का कमाल कितना ये देखना है। मैं ऐसे ज्ञान वाला हूं कि जो सारे जगत के चित्र अपने भीतर जगत के पास गए बिना देखे बिना बना लेता है, अंतर्मुख होकर भीतर ही भीतर बना लेता है। ऐसी ज्ञान निधि वाला
ज्ञान का गौरव आना चाहिए ना। ऐसे ज्ञान वाला मैं तत्व हूँ ये जान लेने पर, और उस ज्ञान में कष्ट बिल्कुल नहीं है। कष्ट तो केवल कल्पना से उत्पन्न होता है और वो झूठा है। कल्पना झूठी है ना, इसीलिए वो भी झूठा है। तो क्या कष्ट नहीं हो रहा है कि कल्पना के मिथ्या कल्पना के कारण कष्ट तो हो रहा है, लेकिन वो कष्ट भी मिथ्या है क्योंकि आत्मा आनंदमय है, उसमें दुख नाम का गुण नहीं है। इस प्रकार इस विषय को इस विधि से अच्छी तरह जान लेने पर जब हम ज्ञान तक आ गए और सारे जगत को, सारे जगत के भार को, सारे जगत को जानने के बोझे को हमने उतार कर फेंक दिया और हम हल्के फुल्के होकर केवल अपनी शुद्ध आत्मा, केवल आत्मा की सीमा में, ज्ञान की सीमा में आ गए तो हमारे विकल्प आनंदात्मक हो जाते हैं। दिन भर ये विचार आएगा आप कहीं मर जाएंगे तो, कोई सताएगा तो, कोई कष्ट देगा तो, अरे भाई आते ही नहीं है, छूते ही नहीं है, पदार्पण करते ही नहीं है, सीमा को तोड़ते ही नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान की जो वज्र की दीवारें हैं वो तोड़ी नहीं जा सकती, उनके भीतर किसी का प्रवेश नहीं होता। और जो ज्ञान की दीवारों का तोड़ना मानता है और ये मानता है कि किसी गेह का प्रवेश मेरे भीतर होता है और वह गेह मुझे मेरे ज्ञान में दिखाई देता है, इस तरह ज्ञान का अस्तित्व, इस तरह गेह का अस्तित्व ज्ञान में मानकर, जो ज्ञान और गेह को, ज्ञान और जड़ पदार्थ को एक में कर लेता है, तन्मय कर लेता है, वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, वो सदा भयभीत और चिंतित रहता है क्योंकि उसने माना कि मेरे ज्ञान में कोई आ गया है, तो आ गया तो कष्ट दे, कष्ट होगा ही होगा ऐसे मानने में, ऐसा मानता है ना। तो ये मानना जहां त्रिकाल सदा के लिए, जीवन के प्रत्येक क्षण के लिए, सच्चा आनंदमय जीवन जीने के लिए, ये सिद्धांत है ज्ञान और ज्ञेय का, आनंदमय जीवन जीने के लिए किसी की ताकत नहीं कि वो मेरी सीमा को तोड़ सके, ऐसा नहीं है। इतनी श्रद्धा, इतनी वज्र श्रद्धा, इतना वज्र ज्ञान हो जाने पर फिर उस व्यक्ति को क्या कोई क्षण आएगा जब वो दुखी हो सके? तो आएगा? नहीं आएगा। उसका जीवन आनंदमय बन जाएगा। जब भी फिर हम कहते हैं सब ज्ञानियों को भी विकल्प तो अनेक तरह के आते हैं, कहते हैं वो जो विकल्प है राग द्वेष पुण्य पाप सुख दुख के, वो विकल्प भी ज्ञान में ज्ञेयाकार होकर ज्ञान रूप बनकर आते हैं, सुख दुख नहीं प्रवेश करते ज्ञान में। आत्मा में मिथ्या बुद्धि के कारण होने वाले, देह को अपना मानने के कारण, जगत के पदार्थों का प्रवेश आत्मा में मानने के कारण ये जो दुख होता है, इस दुख का प्रवेश आत्मा में नहीं होता। तो क्या होता है कि वो दुख भी, दुख का वो स्वरूप, भाई कैसा दुख हो रहा है इसको, जैसे डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर जब रोगी को देखता है तो रोगी बहुत दुखी हो रहा है ये देखता है कि नहीं? वो तो रोगी बहुत दुखी हो रहा है ये बात उसके ज्ञान में आई। रोगी का दुख तो रोगी के पास रहा, लेकिन ये बात उसके ज्ञान में आई, तो क्या डॉक्टर भी दुखी हो गया? क्यों नहीं हुआ? वो इसीलिए नहीं हुआ कि रोगी के दुख का प्रवेश उसके ज्ञान में नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ ना। तो भी जगत के पदार्थों का प्रवेश भी जब हमारे ज्ञान में नहीं हुआ तो हम निरंतर आनंदित क्यों नहीं रहते हैं? और यदि ये राग द्वेष पुण्य पाप के विकल्प आते भी हैं तो आने दो, उस शुद्धात्मा का और ज्ञान का तो कुछ बिगड़ने वाला
नहीं है, ये भी उन पर पदार्थों की तरह अपने ज्ञान में उनके स्वरूप का आकार, उनके स्वरूप का जैसा कहते हैं सब, कैसा दुख है, कैसा दुख हो रहा है, तो दुख का कोई स्वरूप है कि नहीं है, उसका आकार नहीं, कोई आकार भी हो तो उस आदमी जैसा हो, तो वो जो आकार और उस दुख का जो ऐसा स्वरूप है, कैसा दुख होता होगा बेचारे को, ऐसा जो स्वरूप है वो स्वरूप ज्ञान में ज्ञान रूप बनकर जानने में आता है और कुछ नहीं होता। वो सुख दुख और राग द्वेष के विकल्प भी ज्ञान में नहीं आते, राग ज्ञान में जानने में नहीं आता। अगर राग ज्ञान में जानने में आता हो तो राग और ज्ञान दोनों एक होने के कारण राग तो जड़ है, इसलिए आत्मा भी जड़ हो जाएगा। ऐसी कथा है अध्यात्म की, स्वपर प्रकाशक की, कि सारे जगत से निराला होकर आनंदमय जीवन जीने लगा, इसलिए यह आनंदमय जीवन जीने की एक कला है। लोक में भी कोई पुरुष जो इन जगत के की जो संगतियां हैं इनके कारण दुखी रहता है, तो वो अंत में क्या निर्णय करता है, यही निर्णय करता है कि अपन तो बिल्कुल अकेले, सबसे न्यारे, किसी से बात भी मत करो और अपने काम में रहो, तो कोई दुख नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इस तरह आत्मा के ज्ञान के साथ ज्ञेय को लगाना, मैंने जानने में आता है कोई पर पदार्थ, इसमें ज्ञान में उस पदार्थ का प्रवेश और पदार्पण मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं है, आता नहीं है, आता बिल्कुल नहीं है, लेकिन मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ये मानता है कि पदार्थ मेरे ज्ञान में दिखाई देता है। ये धर्मासी का ज्ञात होता है, अर्थात पदार्थ मेरे ज्ञान में दिखाई देता है, वो ऐसा मानता है, तो ऐसा मानने के कारण दुखी होता है। आगे या सिंह मेरे भीतर, सिंह से दूर रहते हैं हम, क्यों रहते हैं दूर, सिंह से क्यों दूर रहते हैं, खा जाएगा मार देगा, अरे खा जाएगा मार देगा, वो तो छूता भी नहीं तेरे को, तेरा ज्ञान इतना अलौकिक है, ऐसा विलक्षण है, ऐसा अनूठा तत्व है कि वो ज्ञान प्रूफ है, प्रूफ जैसे प्रूफ होता है ना, प्रूफ अर्थात उसमें किसी का प्रवेश, वेदर प्रूफ, हीट प्रूफ, कोल्ड प्रूफ, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं तो उनमें सर्दी और गर्मी का प्रवेश जैसे नहीं होता, उसी तरह ज्ञान भी ये जगत प्रूफ है, अर्थात जगत का अणुमात्र भी ज्ञान के भीतर नहीं आता है। ऐसा मान लेने पर सुखमय जीवन का प्रारंभ होता है, और उसमें भी कमजोरी के कारण जो नाना प्रकार के विकल्प उठते हैं, वे विकल्प भी जगत के पदार्थों की तरह है, केवल उनका आकार और उनका स्वरूप ज्ञान में ज्ञान बनकर जानने में आता है। वही ज्ञान जानने वाला और वही ज्ञान जानने में आने वाला, वहाँ राग नहीं द्वेष नहीं, राग और द्वेष आत्मा के भीतर परस्पर विपरीत स्वभाव वाले होने के कारण कभी प्रवेश नहीं करते। इतना तक तो कहा, पर पदार्थ की क्या बात है, जो पर्याय स्वयं हमारे भीतर हो रही है उस पर्याय का ही प्रवेश हमारे भीतर नहीं, और एक जो अनंत गुण है उन अनंत गुणों में ज्ञान, अनंत गुणों का ज्ञान में प्रवेश नहीं, वो तो आत्मा के ही है ना, सदा रहने वाले शुद्ध, उन शुद्ध गुणों का भी ज्ञान में प्रवेश नहीं, वो भी ज्ञान के बाहर ही रहते हैं। इतनी तो बात है, तब पर पदार्थ को छूट कैसे मिल सकेगी, तब पर पदार्थ कैसे ज्ञान में आ जाएगा, आत्मा में आ जाएगा। ऐसा निश्चय, दृढ़ निश्चय ये जिनवाणी सुनने पर अगर हो जाए तो जीव का जीवन बदल जाता है और उसका पुनर्जन्म हो जाता है, नया जन्म।
नया पैदा हुआ हो उसका दूसरा जन्म है, पुनर्जन्मा कहलाता है वो। इसलिए पुनर्जन्म करना है नहीं, पुराने दरिद्री जीवन को, दुखमय जीवन को, क्लेशमय जीवन को मिटाकर सुखमय जीवन का प्रारंभ करना, ये पुनर्जन्म है। इस तरह इस प्रकरण के जानने से पुनर्जन्म होता है। तो कल अपन ने एक पुष्ट प्रमाण राजमल जी साहब का 271वां गल, उनने मन से नहीं लिखा, क्योंकि आजकल स्वयं हम मुमुक्षुओं में विरोधी, इसके जो विरोधी हैं सोनगढ़ सिद्धांत के, उसके जो विरोधी लोग हैं उनकी तरह से ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें तो आचार्यों का प्रमाण चाहिए, इन हिंदी वाले विद्वानों को हम नहीं मानते। ऐसा हम लोगों में ये बात होने लगी, मुमुक्षों में ये बात होने लगी। अरे एक जो हिंदी, भले ही हिंदी वाला हो और ज्ञानी हो, जिसे आत्मानुभूति हुई हो, तो उसके सुखमय जीवन का प्रारंभ इस स्वपर प्रकाशक, अभी तो पद प्रकाशक बाकी है ना, अभी तो अपन ये स्वप्रकाश की बात कर रहे हैं। आत्मा आत्मा को ही अपने ज्ञान की पर्याय को ही जानता है, पर आगे बढ़कर अभी अनुभूति तो हुई नहीं, तो अनुभूति नहीं हुई तो आनंद कहाँ आया, आत्मा वास्तव में कहाँ जानने में आया। इसलिए ये प्रकरण तो अभी बाकी है, लेकिन ये कम से कम इतनी तो बात समझ में आ जाए कि हम सब सिमट कर केवल उस ज्ञान तक और आत्मा तक आ जाए, और ये निश्चय कर लें कि मेरा जीवन सुखमय है, कोई मेरे वज्र के किले में प्रवेश करने वाला नहीं है। मैं तो प्रतिक्षण सुख की और आनंद की नींद सोता हूं, मुझे हिलाने वाला भी कोई नहीं है, कोई नहीं। जैसे किसी का किला वज्र का बना हुआ हो, राजा का, और वह मंत्रियों को मालूम ना हो, तो राजा सो रहा हो, खूब गहरी नींद सो रहा हो, और वहां पर मंत्री भी हो, इतने में कोई जो शत्रु है वो आक्रमण कर देता है और किले पर तोपें चलाता है, बम फेंकता है और करता है, तो मंत्री घबरा जाते हैं और घबरा कर कहते हैं कि राजा जागो, बहुत बड़ा संकट आ गया है। तब राजा क्या कहता है? राजा कहता है चुप बैठ जा, मेरी नींद खराब मत कर, एक निशान भी मेरे किले में होने वाला नहीं है। इसी तरह आत्मा के वज्र किले में, ज्ञान के वज्र किले में एक निशान भी होने वाला नहीं है, चाहे सारा जगत मिलकर आक्रमण करे, वो होने वाला नहीं है। ऐसी अद्भुत चर्चा है। तो कल जो राजमल जी साहब का उदाहरण था, उससे तो हमें ये मान ही लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 2-3 बार कहा ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है, और भ्रांति के कारण दुख पैदा होता है। भ्रम से अगर हम रस्सी को सर्प मान लें तो एकदम भागेंगे कि नहीं, एकदम दुख होगा कि नहीं होगा, तो ये भ्रम, और वो जो भ्रम है उस भ्रम के कारण हम ऐसे भागे कि किसी खड्डे में जाकर गिरे, वहां हमारे हाथ पांव टूट गए, फिर हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और 6 महीने वहां रहना पड़ा। लेकिन इस सब का कारण क्या? केवल एक बात कि वो भ्रांति। इसी तरह ये जो भ्रांति कि मैं पर को जानता हूं और ये पर मेरे ज्ञान में दिखाई देता है, अर्थात मेरे ज्ञान में आता है, ये जो भ्रांति है ये सारे के सारे कष्टों की जननी है, सब कष्टों को जन्म देती है। इसलिए इसकी तो कसम खा लेना चाहिए एकदम। पर व्यवहार से जानता ये बात तो हमने जानी कि नहीं जानी? व्यवहार की बात भी आई कि नहीं आई कि जानता किस तरह है, जानना किस तरह कहा जाता है, जानता किस तरह है, वो तो आ गई पद्धति, वो तो असली पद्धति है, वो तो निश्चय नहीं की पद्धति है। लेकिन
जानना कहा जाता है पर पदार्थ को, वो एक व्यवहार नहीं का कथन है। तो वो भी हमने विचार किया ना उस पर भी कि कहते हैं हम कि पर जानने में आया, ठीक वैसा आकार हमारे पास होने के कारण, लेकिन वास्तव में पर पदार्थ कभी भी जानने में नहीं आता, क्योंकि पर पदार्थ को जानने की बात करने में आत्मा और ज्ञान पर पदार्थ के साथ तन्मय हो जाते हैं। तन्मयता के बिना कैसे जानेगा, तन्मयता के बिना उस पदार्थ को कैसे जाने। जब तक वो पदार्थ ज्ञान की सीमा को तोड़कर ज्ञान में न आवे तब तक जानेगा कैसे। अगर मुझे ये पदार्थ दिखाई देते हैं तो तूने ये मान लिया कि ये मेरी सीमा को तोड़कर आ गए हैं, भीतर आ गए हैं। इसलिए अपने ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती है और वही जानने वाली है, वो पर्याय ही जानने वाली है। इस तरह ज्ञान और ज्ञेय ये दोनों एक ही पर्याय में घटते हैं। हम आकारों से ये समझते हो कि ये तो आकार हैं, इसलिए इन आकारों में ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वे ज्ञान के ही बने हुए आकार हैं, उस पदार्थ के नहीं हैं। पदार्थ के होते तो वो जड़ होते और वो नहीं जानते, लेकिन वो जो पदार्थ जैसे आकार हैं वो ज्ञान के ही बने हुए हैं। ज्ञान का बना हुआ सब ज्ञान ही होता है, उसको अगर हम चलनी से छाने तो उसमें वो पदार्थ नहीं आएगा, ज्ञान ही ज्ञान आएगा, ज्ञान ही ज्ञान छनेगा। इसलिए वो ज्ञान के ही आकार हैं और उनमें वो जानने का स्वभाव है, इसलिए वो स्वयं जानते हैं और स्वयं ही जानने में आते हैं। ज्ञान को जानने के लिए कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ता, इतनी तकलीफ नहीं करता है ज्ञान, क्योंकि इसकी कला है ऐसी अद्भुत कि वो अपने भीतर ही भीतर सब कुछ निरपेक्ष भाव से कर लेता है। सारा जगत जैसा है, सारा जगत जैसे ज्ञान में उतर आया हो ऐसा लगता है, लेकिन उतरता नहीं, वो सब ज्ञान ही ज्ञान है। उस सबको वो ज्ञान सामान्य बनाकर फिर आत्मा का अनुभव करता है। देखो और उद्धरण है, प्रवचन सार गाथा 38, इसमें कहते हैं आचार्य कि जैसे केवली भगवान की बात करते हैं, तो केवली भगवान जैसे ही वो ज्ञानी, जैसे केवली भगवान जानते हैं ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी जानते हैं। जानने में तो असल में ऐसा है कि जैसे केवली भगवान जानते हैं, जैसे ज्ञानी जानते हैं, उसी तरह से जानने की पद्धति अज्ञानियों की है। लेकिन अज्ञानी मान कुछ और लेते हैं, अपनी मिथ्या कल्पना को खड़ी करके कोई और बात, परिस्थिति कुछ और है और मान कुछ और रहे हैं। पदार्थ ज्ञान के भीतर आया नहीं है और मान लिया है कि पदार्थ का तो प्रवेश हो गया है और अब तो मेरी मौत हो ही जाएगी, ऐसा मान लेते हैं। इसलिए सबके जानने की, ज्ञानी अज्ञानी, भव्य अभव्य, सबके जानने की रीति तो एक ही है कि पदार्थ ज्ञान के भीतर न जाकर ज्ञान उस पदार्थ जैसा आकार ज्ञान का बनता है और वो सबका सब ज्ञान ही है, वही जानने वाला है और वही उसका ज्ञेय है। इस तरह ज्ञान और ज्ञेय, राजमल जी साहब ने तो बहुत आगे बढ़कर बात की थी, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ये तीन कथन मात्र हैं, असल में तो सारा का सारा एकमात्र वो शुद्धात्मा ही है और वही जानने में आता है। उनने तो बहुत बढ़कर बात की थी। तो इसमें कहते हैं प्रवचन सार की 38वीं गाथा में कि जैसे ये अर्थात केवली भगवान निश्चय से परमानंद, एक लक्षण, सुख स्वभावी, मोक्ष पर्याय को तन्मय होकर जानते हैं। क्या जानते हैं भगवान? भगवान को तो जो आनंद की पर्याय होती है
उस आनंद की पर्याय के साथ ही तन्मय होकर, क्योंकि वो उनकी है ना, जो अपना हो उसके साथ तन्मय हुआ जा सकता है, लेकिन जो दूसरा है उसके साथ तन्मयता का सर्वथा निषेध है, अभाव है, ये तन्मय होकर जानते हैं। और परद्रव्य पर्याय को व्यवहार से, आ गई बात, परद्रव्य पर्याय को व्यवहार से जानना कहा जाता है। वास्तव में परद्रव्य पर्याय जानने में नहीं आते। निश्चय की जो बात कही, तो फिर अगर ये व्यवहार से जानने की बात भी निश्चय जैसी होती तो फिर दो बात क्यों करते यहां पर? स्व को अर्थात मोक्ष पर्याय को, आनंद स्वभावी पर्याय को तन्मय होकर, क्योंकि वो उनकी है इसलिए उसके साथ वो तन्मय होकर जानते हैं, और परद्रव्य पर्याय को व्यवहार से ऐसा क्यों कहते, ऐसा क्यों बोलते? अगर व्यवहार और निश्चय दोनों का स्वरूप समान होता तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन व्यवहार निश्चय के सामने झूठा है और वह विश्वास करने लायक नहीं है। व्यवहार से जानना कहा जाता है लेकिन व्यवहार से जानते नहीं है। अगर निश्चय से नहीं जानते और व्यवहार से जानने लग जाए तो जान तो लिया, काम तो हो गया, फिर निश्चय से हमको क्या मतलब है, क्या मतलब रहा? निश्चय से नहीं जानते लेकिन व्यवहार से जानते हैं, ऐसा अब कहने लगे हम लोग कि निश्चय से नहीं जानते मैंने वास्तव में नहीं जानते, पहले तो हम ये बोले और अब क्या बोले कि व्यवहार से जानते हैं, मैंने वास्तव में तो नहीं जानते लेकिन व्यवहार से जानते हैं, तो व्यवहार से जानते हैं तो निश्चय का कथन झूठा हो गया, और व्यवहार से जानना तो हो गया ना, जान तो लिया उन्होंने, किसी भी तरह जाना हो लेकिन जान तो लिया ना, लेकिन व्यवहार से का अर्थ यह हुआ जब निश्चय से ये कहा कि निश्चय से परद्रव्य को न जानकर केवल अपने ज्ञान की मोक्ष पर्याय को, आनंद में पर्याय को जानते हैं, ऐसा जब कहा तो उसमें से ही ये बात निकली कि सचमुच परद्रव्य नहीं जानने में आता लेकिन अपने ज्ञान की पर्याय जानने में आती है, और ज्ञान की पर्याय ज्ञेय जैसी होने के कारण वो ज्ञेय का जानना कहा जाता है, इसका नाम व्यवहार। बताना पड़ता है ना, विषय बताना पड़ता है ना, किसको ज्ञान का विषय कौन है, क्योंकि ज्ञान के विषय बदलते रहते हैं ना, तो इस समय ज्ञान का विषय कौन है, ये उस ज्ञान के आकार में, हमारी पर्याय के ज्ञान के आकार में उस पदार्थ का आरोप करके, उस पदार्थ का नाम लेकर, उस पदार्थ अर्थात पदार्थ ही कहकर कि ये जो ज्ञान का आकार है ये ज्ञेय का आकार है और इसको व्यवहार से जानता है। इस प्रकार व्यवहार से जानने की जो पद्धति है वो निश्चय नए से बिल्कुल विरुद्ध है। सिनेमा के पर्दे पर जाना जो कैसा जाना, वो व्यवहार था या निश्चय था? सिनेमा के पर्दे पर जानना वो निश्चय था। तो निश्चय अगर होता और वो आदमी ही होते वहां पर तो बंबई में उनका अभाव हो जाता, वो अगर सिनेमा के पर्दे पर उतर आते तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए इसी प्रकार भावित आत्मा पुरुष के द्वारा भी रागादि के विकल्पोपाधि रहित स्वसंवेदन पर्याय ही जानने में आती है। अब क्या चाहिए, आगम का प्रमाण है कि नहीं, क्या जानने में आता है? इसी तरह भावित आत्मा पुरुष अर्थात जिसने आत्मा की भावना की है अर्थात आत्मा का अनुभव किया है, ऐसा ज्ञानी पुरुष, ऐसा सम्यक दृष्टि पुरुष, भावना आत्मा की अनुभूति के अर्थ में आता है आगम में। भावना चिंतन को भी कहते हैं
और भावना अनुभूति को भी कहते हैं। इसलिए भावित आत्मा, जो आत्मा की भावना कर चुका है और जिसने आत्मा को जान लिया है, देख लिया है और उसका आनंद अतिंद्रिय आनंद पी चुका है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है वो उसके द्वारा भी रागादि विकल्पोपाधि रहित स्वसंवेदन पर्याय ही जानने में आती है, क्योंकि ज्ञान में केवल वो स्वसंवेदन पर्याय ही अन्य पदार्थों के और अपनी पर्याय के रागद्वेष रूप विकल्पों के आकार से ही अपने ज्ञान में प्रवर्तित होती है। वो उनका आकार अपने में नहीं लेती। राग का आकार, राग का स्वरूप ज्ञान में नहीं आता, वो तो उसके पास रहता है। वो केवल राग का स्वरूप ज्ञान, जैसे दुख जानने में आया ना डॉक्टर के, रागद्वेश आदि तो दुख रूप है ना। अब रागद्वेश आदि जो दुख रूप हैं, वो अगर ज्ञान के शामिल हो जाएं, तो ज्ञान दुखी हो जाएगा ना। और ज्ञान का स्वभाव तो आनंद है, वो तो अलग थलग रहना है। इसलिए भावित आत्मा पुरुष, ये हमारी बात, हमारी मैंने ज्ञानियों की बात, भावित आत्मा पुरुष भी, पुरुष के द्वारा भी रागादि विकल्पोपाधि रहित, रागादि विकल्प की उपाधि से रहित जो ज्ञान है, क्योंकि विकल्प रागादि के विकल्प जब ज्ञान में आए ही नहीं, तो ज्ञान विकल्प वाला राग वाला कहाँ हुआ, तो क्या रहा, कि शुद्ध ज्ञान रहा। इसलिए वो शुद्ध स्वसंवेदन ज्ञान की पर्याय, स्वसंवेदन ज्ञान की पर्याय अर्थात जो आत्मा का अनुभव कर रही है, तो वो ज्ञान की पर्याय ही जानने में आती है, ऐसा तात्पर्य जानना चाहिए। ये तात्पर्य बाह्य द्रव्य पर्याय गौण वृत्ति से, जैसा व्यवहार कहा कि वो गौण वृत्ति से जानने में आते हैं, अर्थात गौण वृत्ति से जानने में आते हैं, मैंने व्यवहार से उनका जानना कहा जाता है। असल में जानने की पद्धति केवल एक ही है और नहीं हो गया।